कभी उठे हैं? ऐसी हिम्मत होती नहीं, चुपचाप बैठे तो चुपचाप बैठे। इसके बाद घर ही आते ना यहाँ से कि गुपचुप वगैरह वगैरह ऐसा है ना बेटा, एक दिन फिर नजर मारेंगे हम, है ना, देखेंगे कि यहाँ से सीधे घर जा रहे हैं कि गुपचुप के ठेले पर बैठकर पहले 50-60 रुपए की गुपचुप खाई, फिर डकार वगैरह ली और फिर घर जा रहे हैं आराम से। ऐसा तो नहीं करते बेटे वर्मा जी, बिल्कुल नहीं करते। चलिए अब थोड़ा सा टॉपिक, आज सॉरी हमने डांट दिया हमें ठीक, पर वो ठीक नहीं बेटा, है ना, 25 मिनट से देख रहे थे, मतलब 5 मिनट में रोक देते हैं, 25 मिनट हमने सहन कर लिया, ये हमारे रूल्स एंड रेगुल। हाँ अब ये तो अभी तक है, अब ठीक है, दिख रहा है ना, ऐसा बच्चे को इधर बोल देंगे तो, नहीं तो मुंडी ऐसी ऐसी चल रही थी, हम भी इधर देख रहे थे। चल प्रिया बेटा समझ में तो आ रहा है? पक्का पक्का समझ में आ रहा है? तो आज क्वेश्चन भी है, आज ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। चलिए आज सिलेबस को लिखते हैं, कौन से सिलेबस को बेटा? गवर्नेंस के सिलेबस को। ठीक है अब थोड़ा समझ में आएगा आपको गवर्नेंस क्या होता है। जिसकी तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं? सिविल सर्विस की ना, तो आपसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे बहुत अच्छा जवाब देते हैं, आप यूपीएससी क्यों करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो? समाज की सेवा करना चाहते हैं। अरे सीधी बात बोलो ना, मेवा खाना चाहते हैं, ये रियलिटी है। आप किसे बुद्धू बना रहे हो जो 30 साल से लोगों को बुद्धू बनाते आ रहे हैं? तुम उसे बुद्धू बना रहे हो। और मैंने जैसे बोला ना कि बच्ची बोली सर समझ में आ रहा है, मैंने क्या बोला, सिगमंड फ्रॉइड को जानते हो क्या, मनोवैज्ञानिक, उसकी किताब भी है, पढ़ो ना, पढ़ने के बाद आपको समझ में आए किसी व्यक्ति के हाव भाव किस प्रकार से वो समझ में आ जाता है। और ऐसे ही थोड़ी पढ़ा रहे, धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। तो क्यों तैयारी कर रहे हैं? तो बच्चे के दिमाग में केवल क्या बोलता है बच्चा, समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो फिर दूसरा अगर सामने वाला थोड़ा सा अलग प्रकार का हो तो पूछता है कि समाज की सेवा करने के लिए सिविल सेवा की क्यों आवश्यकता, और भी कर सकते हैं। तो बच्चे के पास में एक और रटा रटा क्वेश्चन रहता है, यूपीएससी में डायमेंशन बहुत सारे हैं, मल्टीपल डायमेंशन, इस वजह से यूपीएससी मान के चलो, यूपीएससी में बोला तो भैया यूपीएससी में आईएएस में ही केवल है, पूरे सेक्टर्स जो है आईएएस में ही है, आईपीएस में केवल आप पुलिस डिपार्टमेंट है, आईआरएस में केवल रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आईएफएस में केवल क्या है फॉरेन। और मान के चलिए तुमने भर दिया पहले आईएएस, फिर आईएफएस, फिर आईएफओएस, फिर आईआरएस, फिर आईपीएस पोस्टल सर्विस, ऐसे करके नीचे नीचे लिख दिया। तुम इधर बोल रहे हो कि समाज सेवा करना चाहते हो और सेकंड लिख पर लिख दिया आईएफएस फॉरेन सर्विस। फॉरेन कर सर्विस वाला कभी भी समाज सेवा करेगा कि फ्लाइट पर फ्लाइट चलेगा? चलेगा, यही होगा। तो यहां पर अच्छा जवाब क्या रहता है कि सर पहली बात कि ये बहुत प्रेस्टिजियस जॉब, जिसको हर कोई करना चाहता है, जो बात मुझे पहले इसको ललायत करके, पर जैसे जैसे इसके बारे में जैसे जैसे पढ़ना शुरू कर तो सोसाइटी के लिए ये पद कितना अधिक जरूरी है, तो उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये करना चाहिए, और उसके बाद में मेरे जीवन का एक मुख्य उद्देश्य बन गया सिविल सर्विस करना चाहिए, इस वजह से मैं करने लगा। और दूसरी बात कि भैया समाज में इस जॉब के बाद में महत्व भी बढ़ता है, ये भी। तो 4 पॉइंट हो गए, बचपन से लेकर अब तक के हम सीधे क्या बोल जाते हैं कि नहीं समाज सेवा, पहली समाज सेवा नहीं आती बेटा, पहले आता है स्वार्थ, पहले क्या आता है स्वार्थ। आप हमेशा उसको बताओ ना कैसे आपके मन में आया, कोई किसी ने मोहल्ले गांव में कस्बे में करा होगा सिविल सर्विस की तैयारी और उसके महत्व को देखा होगा तो आपके मन में आया मैं भी करूंगा, पहले स्वार्थ आया कि नहीं? तो सामने वाला यही चाहता है, क्योंकि आप बोलते हैं कि आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी है, जैसे बोलते हैं ना आपकी दो नेगेटिविटी बताओ, एक पॉजिटिविटी और दो नेगेटिविटी और दो पॉजिटिव, तो नेगेटिविटी में तो मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं बहुत भावुक हूं, और भावुक होना क्या ये नेगेटिव है क्या? तो ये दो उनके पर्टिकुलर है, और दो के अलावा तीसरा नहीं बताएंगे। पॉजिटिव में मैं सत्यनिष्ठ हूं, दयावान हूं, है ना, काम के प्रति पंचुअल हूं, है ना, ये मतलब दो ही बोला है यहां पर, अब 3 4 5 अपने आप जोड़ देते हैं, जहां पॉजिटिव रहती हूं वहां पर 3 4 5 6 दनादन जोड़ दे रहे, ये गलत है क्या? जितनी बोली उतनी बताओ, जितनी बोली उतनी बता, वही बता कर यहां पर आप सत्यनिष्ठ बोल रहे हो कि मैं सत्यनिष्ठ हूं, है ना, सत्यनिष्ठ हूं, और सत्यनिष्ठ बोलते हुए आप बोल रहे हो कि मैं दयावान हूं,
और मैं सिविल सर्विस की तैयारी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। यहाँ सत्यनिष्ठ बोल रहे हो, यहाँ समाज सेवा बोल रहे हो, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि नहीं? क्योंकि समाज सेवा का भाव तो तुम्हारे मन में बाद में आता है जब आप तैयारी कर कर और ज्यादा कुछ सीखे, क्योंकि आप जब ये जाने कि मैं से कुछ नहीं हो सकता है, हमसे सब कुछ हो सकता है, पढ़ाई करने के बाद ही तो जानते हैं, तभी तो टीचर बनते हैं, क्योंकि समझ में आता है कि पढ़ाने के बाद में ज्यादा क्लियर होता है, ना कि खुद बैठ कर क्लियर होता है। बस ये बात अलग रहती है कि कितने बैच पढ़ाने, पढ़ाने वाले पर डिपेंड करता है। अगर 10 बैच पढ़ाएगा तो पढ़ाई खुद नहीं कर पाया और टीचर बन गया, तो ये हम तब से क्लियर होता है। तो आप सत्यनिष्ठ बोल रहे हो और यहाँ पर बोल रहे समाज सेवा, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि नहीं? इसलिए कभी भी पूरा इंटरव्यू अगर देखो तो हमेशा याद रखो कि जो पहला वाक्य बोला है उस वाक्य के आधार पर ही पूरी बात होनी चाहिए। अगर आपने बोला सत्यनिष्ठ हूं तो हमेशा सही सही बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। आलसी हो तो बोलना हाँ, मक्कार हो तो बोलना हाँ, लोफर हो तो बोलना हाँ, पर तभी भी बनना चाहते, क्योंकि उसका कभी भी इंटेंशन ये नहीं है कि आपके नॉलेज को टेस्ट करे, है क्या? नहीं है उसका। तो जब है ही नहीं, तो सिविल सर्विस में जो प्रशासन आता है, ये जो प्रशासन चल रहा है, जो आपका गवर्नेंस है, ये आपको बता देगा कि आपको क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे आपको प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, और डिलीवर करने के लिए आप किस प्रकार से रूल्स एंड रेगुलेशंस का यूज करते चलोगे। तो जब हम सिविल सर्विस को देखते हैं, प्रशासन को देखते हैं, तो प्रशासन में हमारा जो सबसे पहले आता है वो टॉपिक जो निकल कर आता है, सिविल सेवा का विकास सबसे पहले आता है, जो टॉपिक निकल कर आता है सिविल सेवा का विकास, मतलब किस प्रकार से सिविल सेवा बनी और आगे कैसे कैसे चेंज होते चले। आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, आप हिस्ट्री कैसे पढ़ते हो? अकबर को पढ़ लिया बेटा, आरुषि अच्छा लगता है अकबर, ये पढ़ा टीचर ने पढ़ाया होगा अकबर, अकबर के बाद औरंगजेब बताया होगा, और औरंगजेब बताकर बोला है ये खूंखार था। जैसे एक पद्मावत करके एक मूवी थी जिसमें एक व्यक्ति को, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, उसको इतना नेगेटिव बता दिया। और मैं पढ़ाऊंगा ना, बहुत पॉजिटिव बताऊंगा, बहुत पॉजिटिव बताऊंगा। क्यों? सिविल सेवक में जो चाहिए वो उसमें था, उसकी पॉलिसीज में था। आपको हम एक पुराने समय को लेकर जाएंगे, कभी आपने नाम सुना होगा अशोका का, एक बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, कहा जाता है कि उसने अपने 100 भाइयों को मारकर गद्दी को प्राप्त करा, तो वो महान कैसा? एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है कि आपको 3 व्यक्ति दिए जाते हैं प्राय, जिसका हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, या फिर जिसे IR पसंद आता है, जिसका प्रशासन या फिर पवेट वगैरह कोई अगर ऑप्शन रहता है, तो उसके लिए एक प्रश्न आता है कि आपके जो एरा जो आए, 3 एरा है, उसमें 3 व्यक्ति रहे, एक रहा अकबर, एक रहा अशोक, और एक रहे महात्मा गांधी, इन 3 में से कौन महान? या फिर ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं कि जो अशोक है उसे महान क्यों कहा जाता है, अशोक है उसे महान क्यों कहा जाता है, जैसे आप बताते हो कि अशोक महान है क्योंकि अशोक ने अहिंसा को अपना लिया था। फिर सामने वाला काउंटर करता है, उसने अहिंसा को तो तब अपनाया था जब उसने पेट भर गया था, क्योंकि उसका साम्राज्य पूरा फुल हो गया था, साम्राज्य बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तब उसने अहिंसा को अपनाया। उसके पहले तो उसने 100 भाइयों को मारा, कलिंग युद्ध में 6 लाख लोगों को मारा, तो कैसे हो महान? महानता उसके शासन में बैठने की प्रक्रिया से नहीं है, शासन में बैठने के बाद में शासन को चलाने की प्रक्रिया से, जो उसकी धम्म से है। उस समय में उसने, जो आपने मूवी देखी हो महाबली, क्या बोलते हैं बाहुबली, उसमें एक शब्द का प्रयोग, अमात्य, अमात्य एक प्रशासनिक अधिकारी। तो अशोक के समय में प्रशासनिक अधिकारी कैसे होते थे? उसमें धम्म महामात्र करके एक अधिकारी को रखा गया था जो उसके अभिलेख में था। तो अशोक के समय की कैसी प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसे आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप आगे क्लियर करेंगे। अशोक के बाद में गुप्ता में आए, गुप्ता कौन था? गुप्ता नहीं, गुप्त। जब आप गुप्त एम्पायर को देखेंगे तो गुप्त एम्पायर देखकर दिमाग में आता है, क्योंकि हमारी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि गुप्त का स्वर्णिम काल है, द गोल्डन एरा, ऐसा लिखा आता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। जब गोल्डन एरा लिखा आता है तो हमारे दिमाग में आता है सोने की वर्षा, तो जैसे हमारे
बचपन में बोला जाता था कि इंडिया जो है अंग्रेजों के पहले सोने की चिड़िया, तो हमारे दिमाग में तो पूरे के पूरे घर जो थे सोने के, चिड़िया भी सोने की। मम्मी और मामा वगैरह बोलते थे कि ना डुबकी लगाते थे लोग, तो डुबकी लगाने का दही की नदियां रहती थी, मही की नदियां रहती थी, घी ऐसे बहते रहता था और यही चलता रहता, और डुबकी लगाते थे लोग बाहर निकलते, तो हम उसी में स्वप्नदर्शी प्रकृति के थे। बाद में समझ में आया कि भैया सोने की चिड़िया का मतलब तात्पर्य अलग था, और यहीं पर स्वर्णिम काल का मतलब भी अलग था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे सिविल सेवा के विकास में, तो हमें पढ़ना है सिविल सेवा का विकास मुख्य रूप से 1793 के बाद में कार्नवलिस ने किस इंटेंशन के साथ में लेकर आया। पर कार्नवलिस ने जो लाया था वो कहीं ना कहीं पुरानी व्यवस्था के फेल होने के कारण आया। तो पुरानी व्यवस्था किसकी थी? तो पुरानी व्यवस्था मुगलों की थी, और मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था थी, बड़ी ताकतवर। और मुगलों के पहले जो थी जिसे कहते हैं दिल्ली सल्तनत एम्पायर, उसकी थी बेटा एकता व्यवस्था। दोनों व्यवस्था थोड़ी सी अलग थी, और उसके पहले जो आए थे हम जब आगे आएंगे तो सामंतवादी व्यवस्था, सबको बताएंगे शब्द 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 इसमें बताएंगे, पूरा डिटेल इसमें नहीं रहेगा पर वहां पर आपको बताएंगे। जब वहां से आएंगे तो फिर अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों का इस्पाती ढांचा कहा गया सिविल सेवा। एक शब्द बहुत अच्छा बोला था कि गांधी जी ने भारत को आजाद कर दिया, सोमी सरकार बोलते फालतू की बकवास मत मारो, ये फालतू की बकवास मार कर मत करा करो। आपको ही बता सबाल्टर्न विचारधारा के सुमित सरकार, आपको बताया भी एक बार में बात भी हुई है, वो छोटा सा वीडियो भी बना सबाल्टर्न के ऊपर। अब सबाल्टर्न विचारधारा वाला क्या सोचता है, क्या बोलता है कि कभी भी कोई आंदोलन नेता नेतृत्व तो नहीं करता है, जनता नेतृत्व को बनाती है। और गांधी जी ने भारत को आजाद नहीं करा, अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने की कोशिश की। अभी आपने ब्रेन ड्रेन का नाम सुना, ब्रेन ड्रेन होता है, तो वेल्थ ड्रेन का भी नाम सुना, वेल्थ ड्रेन, धन का बहिर्गमन। धन का बहिर्गमन कैसा हो रहा था बेटा? भारत से ब्रिटेन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से लेकर 1918, कहां पर हुआ? यूरोप में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से लेकर 1945, कहां पर हुआ? यूरोप में हुआ। पैसा किसका खर्च हुआ? यूरोपीय देशों का। भारत का हुआ क्या? ब्रिटेन ने बहुत अधिक मात्रा में पैसा मांग लिया था भारत से, और लगातार पैसे की मांग हो रही थी, कहीं भारत पैसे के कर्ज तले ब्रिटेन दब ना जाए उसके पहले भग जाओ। और आपको नाम है नाथुराम गोडसे जी ने मारा था, क्यों मारा था? क्योंकि 55 करोड़ रुपए वो वापस दे देते भारत को, और उस भाग का बंटने वाला था, एक भाग पाकिस्तान को और एक भाग किसे? भारत को। तो यहां पर गांधी जी कह रहे थे कि ये 55 करोड़ जो है इसमें से भाग पाकिस्तान को दे दो, अभी मत रखो। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल बोलते थे अभी दे देंगे तो कश्मीर में जो डिस्प्यूट चल रहा है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो पैसे का उपयोग वो अपने वेलफेयर के लिए नहीं करेगा बल्कि सेना को मजबूत करने के लिए करेगा, और कश्मीर हमसे चले जाएगा। गांधी जी इस बात पे अड़े थे, नाथुराम गोडसे का दिमाग खराब, दो तान दी। पहले 12 जनवरी को मारने वाले थे, कंडीशन नहीं बैठी तो 30 जनवरी को निपटा दिया, निपट गए बेचारे। आया समझ में? एक कारण ये था। एक कारण जो महत्वपूर्ण था वो था बेटा एक ली कमीशन को, आपको बताएंगे ली कमीशन, बड़ा महत्वपूर्ण कमीशन आप पढ़ोगे। उस ली कमीशन के माध्यम से, और कई बार अंग्रेजों के सामने जो कांग्रेस ने बहुत अधिक बातें रखी थी उसमें से एक बात थी भारत में शासन भारतीयों के द्वारा करवाओ, बाहर से मत ले करो, क्योंकि सिविल सर्विस में हमेशा अंग्रेजों को ही रखा गया। कार्नवालिस कहते थे कि महा मक्कार और घूसखोर प्रकृति के लोग भारतीय। देखो दो ही व्यक्ति में कॉन्ट्राडिक्शन बैठ रहा है, एक लॉर्ड हेस्टिंग का नाम सुना आपने और कार्नवालिस। कार्नवालिस जिस समय में गद्दी पर आया था 1786 को, तो उसने कहा था कि भारतीय लोग जो है घूसखोर मक्कार प्रकृति के लोग हैं, और ये इनके ऊपर तनिक भी विश्वास नहीं किया जा सकता। और ये शब्द कहते उसने कहा कि हम भारत में शासन करेंगे पर शासन करते समय में जितने भी लोग रहेंगे वो अंग्रेज को ही लेकर आएंगे, मतलब अंग्रेजों को लाएंगे तो खर्चा बढ़ेगा, अरे उनको उतनी ही पेमेंट देनी पड़ेगी जितनी यूरोप में दी जाती है, खर्चा बढ़ेगा, रहने का स्थान भी देना पड़ेगा, और उल्टा लौट कर जाएंगे तो पैसा भी लेकर जाएंगे। लेकर जाएंगे क्या? नहीं, यहीं पर लॉर्ड हेस्टिंग कह रहा था कि जब मैं 1813 में भारत आया तो मुझे मर्यादा की एक परिभाषा दिखाई दी जिसमें घर के अंदर तो चोरी तो छोड़िए दीवारों पर भी चोरी का कोई दाग नहीं था। लॉर्ड हेस्टिंग के वर्ड है विपिन चंद्रा में लिखे हुए,
और यहाँ पर सिविल सेवकों को, मतलब सिविल सेवक उनके इस्पाती ढंग, मतलब पूरा काम सिविल सेवक करते। ली कमीशन के बाद में भारतीकरण करना शुरू किया। जब भारत आजाद हुआ तो 56% भारतीय थे पूरे सिविल सर्विस में, 50% से ज्यादा कौन? भैया तुम मेरे बेटे हो और ये एक सरकार, ये सरकार है मान के दवंडी जी, तुम सरकार के मुलाजिम हो और मैं एक किसान हूं, और सरकार चाहती है कि तुम जो है वो मुझसे टैक्स कलेक्शन करो, और मैं टैक्स नहीं देता तो तुम मुझे दो तीन झापड़ मारो। अरे पिताजी हूं मैं, मारूंगे क्या? एक बार मारूंगे, दूसरी बार खुद रोएंगे, और तीसरी बार उसको बोलेंगे चला। अब मुझे बताओ तुम भारतीय हो, मैं भारतीय हूं या अंग्रेज? अगर भारतीय भारतीय अगर शिक्षित हो जाएंगे तो अंग्रेज की आवश्यकता रहेगी नहीं रहेंगी? तो सिविल सर्विस वाला शिक्षित था, समझ गया। तो ये समझ में आ गया था कि लंबे समय तक के भारत में अब टिके रहना ठीक नहीं है, चलो। इसलिए भागने में इन्होंने देरी नहीं करी। भागना कब था बेटा? एटली ने कहा था 1947 में 20 फरवरी को कि हम जून 30 1948 तक के भारत को छोड़ेंगे। पर ये चले गए कब? 1947 15 अगस्त को। क्यों चले? भागने की बहुत चाहत थी, जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। और कौन भगा रहा था? हम थोड़ी भगा रहे थे। गांधी जी बोले रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? अंबेडकर जी बोले रुको कहाँ जा रहे हो? नहीं हमको जाना है। जब हम बोले भागो तो तुम भाग नहीं रहे थे, अब बोल रहे हम रुको तो जाओ, क्यों रुको? कारण बताएंगे। कारण मेन क्या था कि उनका जो इस्पाती ढांचा था उसमें क्रैक्स आ गए सिविल सेवा, और वहां से हम आप देखेंगे कि आजादी के बाद में कैसे सिविल सेवा में रिफॉर्म होते चले। उसमें आपको दो एआरसी को बताएंगे, एआरसी ठीक है, प्रशासनिक रिपोर्ट कहते थे, प्रशासनिक रिपोर्ट। आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो और आपको यही नहीं पता है कि एक प्रशासक में क्या क्वालिटी डिमांड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं बात कर रहा हूं क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्टी नहीं, पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अंतर होता है, तो आपको एआरसी को पढ़ना पड़ेगा। एआरसी की छोटी छोटी बुक आती है, आपको उसको खरीदना पड़ेगा। अभी जो रेलिवेंट जो एआरसी है वो है बेटा 2007 की, जो सेकंड प्रशासनिक आयोग की जो रिपोर्ट है 2007 की, उसे देखना पड़ेगा। और उसके पहले थी एक हनुमंतैया, पहले मोरारजी देसाई उसके अध्यक्ष थे, पर मोरारजी देसाई आगे चलकर विदेश वित्त मंत्री बन चुके थे, फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके थे, तो उनको उस प्रशासनिक से हटना पड़ा था। तो एक था 1967 का प्रथम प्रशासनिक, ये दोनों को देखना पड़ेगा। उसके आधार पर आप समझोगे कि क्या क्या डिमांड करते हैं। आप अगर अभी भी नहीं समझेंगे और आप केवल इसको स्टडी के रूप में लोगे तो आपका इंटरव्यू खराब जाएगा, क्योंकि आपकी मेंटलिटी नहीं बन पाएगी। इनकी डिमांड क्या है सिविल सेवक में, क्या डिमांड क्या है, इस बात को याद रख लेना। सिविल सेवकों में डिमांड सबसे महत्वपूर्ण है सत्यनिष्ठा, वचनबद्धता, पारदर्शिता। सत्यनिष्ठा, वचनबद्धता, पारदर्शिता और तटस्थता। तटस्थता का मतलब है तट के पास में घुल मिल कर, तटस्थता, दूर से रहकर देखना पर पूरी चीजों को देखना है, और देखने के बाद में कार्य करना। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी नहीं, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्टिविटी होगी तो भाई भतीजावाद आएगा, मतलब मेरे लिए अलग रूल रहेंगे इसके और इसके लिए अलग रूल रहेंगे, ये गलत है कि नहीं? हर एक के लिए एक जैसा, ये सब बात कहां से पता चलेगी आपको? आपको देखना पड़ेगा। इसी के बाद में जब आएंगे तो हम एक पढ़ेंगे शासन में, शासन पारदर्शिता। किसमें बेटा? शासन में पारदर्शिता। अब ऐसा जरूरी है एक व्यक्ति से पूरी गंगा साफ हो सकती है क्या? गंगा को हर जगह साफ करना पड़ेगा, तो गंगा कौन है? शासन, गवर्नेंस है। अब इसे भी तो साफ करना पड़ेगा, तो इसको साफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए उन्होंने कहा है यहां पर भ्रष्टाचार, मतलब पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो ट्रांसपेरेंसी के लिए दो तीन संगठनों को पढ़ना पड़ेगा, और दो तीन संगठनों को जब आप पढ़ोगे ना तो आपको बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। एक है WB और एक का नाम है आईएमएफ, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक, और WB सॉरी आईएमएफ
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब आपको एक प्रश्न है, एक और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि पीयूष की इच्छा थी कि सर अब लेवल बढ़ा सकते, बढ़ा सकते कि नहीं बढ़ा सकते, पीयूष बोल सकते ऊपर से जाता है, जाता है ऊपर से। चलिए एक बात बोली थी उस बात को आपको क्लियर करते हैं, एक बात बोली गई थी उसको आपको क्लियर कर देते हैं कि क्या बोला गया था। अमेरिका ने दुनिया पर राज किया, इस बात को आप नकार सकते हो क्या? नहीं नकार सकते। राज किया, राज किस प्रकार से करा? WBO और IMF के माध्यम से करा, पर पैसा देते समय में उन्होंने रिपोर्ट निकाली और वो रिपोर्ट सब सहारा सहारा क्षेत्र के लिए बने। सब सहारा कौन सा बेटा? सहारा का नीचे वाला, और अफ्रीकी देशों के बारे में, क्योंकि अफ्रीका जो है एक अंडमान महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी हम उसको जानते नहीं, कितने रिसोर्सेस हम उसको जानते नहीं, इस वजह से अंधा महाद्वीप कहा। और दूसरा, आजकल कहने के पीछे ज्योग्राफिकल कहने का कारण क्या बनता है? क्योंकि उसको जानने के अलावा वहां पर अभी भी डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर राजशाही है। आज भी आप जाकर देखोगे तो कहीं ना कहीं, कहीं इथियोपिया जो है वो लड़ रहा है सोमालिया वगैरह के साथ में, आपको उत्तरी सूडान दक्षिण सूडान के बीच में आपको कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा। उधर नाइजीरिया वगैरह के क्षेत्र में पहुंचा रहा हूं तो पहुंच रहे हो कि नाइजीरिया वगैरह के क्षेत्र में, बुरकानो फासो के क्षेत्र में जा रहे हो तो भैया वहां पर अभी कंडीशन इतनी खतरनाक है कि वहां पर खाने के लिए लाले पड़े हुए। पोलियो वहां पर अभी भी जिंदा है, और पोलियो जिंदा होने के साथ में सब सारे क्षेत्र में इतना अधिक मृदा का गलत यूज हो रहा है कि वहां पर उत्पादन कम होने के साथ में बोको हराम जैसे संगठन वहां पर बैठे हुए। तो वहीं पर जब आप इक्विटोरियल गिनी में आएंगे तो वहां पर इबोला अभी भी तो क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इतनी खतरनाक परिस्थिति वहां पर, परिस्थितियों का खतरनाक होने का कारण है जनता का गरीब होना, जनता का गरीब होने का कारण है वहां के शासक का निरंकुश होना। निरंकुश शासन, जनता कहती ही नहीं। जैसे आप अगर पहुंचे लीबिया, पहुंचे लीबिया, लीबिया पहुंचे कि नहीं? लीबिया में जो कर्नल गद्दाफी थे उनके महरम से, महरम हरम, हरम बोला जाता है जहां पर महिला रहती है उसे कहता है हरम, उनके हरम से 750 किलो का सोना मिला। 750 किलो, एक टन में कितना बाकी था? 250 किलो हरम से मिला। उनकी प्रजा जो थी, पूरी जो प्रजा थी वो कतलेआम हो रहा था, परंतु राजा तो अच्छा था, तो निरंकुश था। तो कैसे किसी क्षेत्र में जनहितेशी शासन आए, ये बहुत जरूरी है कि शासन में पारदर्शिता लाए। तो जब शासन में पारदर्शिता आएगी तो कहां से आएगी? तो हम आपको बताएं, लोकतंत्र से आएगी। तो अब्राहम लिंकन का जो एक वर्ड है ना, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन, क्या ही कहलाता है? डेमोक्रेसी कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। वहां से बातों को शुरू करेंगे और फिर आपको दो तीन एक्टों को बताने की कोशिश करेंगे, जिसमें से एक एक्ट आप लोग याद रखोगे, इसका नाम था राइट टू इंफॉर्मेशन, RTE। आप इस पॉइंट को पढ़ोगे, RTE क्या कहता है? RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI 2005। आप जब इसे पढ़ोगे तो इसी के बाद में एक और पॉइंट आएगा जो आपको पढ़ने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रह जाएगा, वो रहेगा डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। मानिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम बड़ा हेल्पफुल। पहले वही कार्ड, जैसे आप लोग MPPSC का फॉर्म भरोगे, जब MPPSC का फॉर्म भरोगे तो आप लोगों को रोजगार पंजीयन करवाना पड़ेगा। पहले रोजगार पंजीयन करवाने के लिए आपको बताना पड़ता था कि मैं बेरोजगार हूं, और अधिकारी के पास जाना पड़ता था, 4-5 घंटे लगते थे जाने में, 4-5 घंटे आने में, और फिर 4-5 घंटे उसको मनाने में, एक दिन पूरा गया। अब जाइए आप कैफे वाले के पास में, बताइए 5 मिनट बनेगा, 50 रुपये लेगा, हो गया काम। वो 50 रुपये हमें नहीं दे रहा है, उसकी रिसिप्ट दे रहा है कि 50 रुपये लगे हैं और उसमें 50 रुपये में ही मेरा कमीशन है, तुम्हें मुझसे ज़्यादा नहीं लेना है, मैं तुमसे ज़्यादा नहीं लूँगा। ट्रांसपेरेंसी आई, लोगों तक की सुविधा पहुँची। कहाँ से पहुँची? इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटलीकरण के माध्यम से। आज आपने एक योजना का नाम सुना होगा जिसका सिलेंडर से संबंध था, उज्ज्वला योजना, सुना है उज्ज्वला? उज्ज्वला योजना से पहले हम आपको बता रहे, पहले एक था DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आजकल सब्सिडी मिलती है, हाथ में मिलती है कि अकाउंट में मिलती है?
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी एक वर्ड आता है, ये क्यों हो पा रहा है? जनधन अकाउंट पता है आप लोगों को क्यों खोले गए थे? जनधन अकाउंट जैम, पारदर्शिता के लिए, लूपोल्स हट गए। ये जो योजना शुरू करेगी थी जिसका नाम था उज्ज्वला योजना, उसको शुरू करने के पीछे पैसा आया था 80,000 करोड़ रुपए का पेट्रोलियम मंत्रालय के पास में, जब हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 12 सिलेंडरों की जो सब्सिडी थी लगातार किस में डालने लगे? अकाउंट में डालने लगे, 80,000 करोड़ रुपए का। ये रिकॉर्ड था, क्योंकि इसके पहले जो होता था हर सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती थी, और हर सिलेंडर पर सब्सिडी देकर सरकार के ऊपर ही बजट बढ़ता था, और व्यक्ति जिसके घर में कुछ नहीं है उसके यहाँ सिलेंडर नहीं, जिसके यहाँ सब कुछ है वो सब्सिडी वाला सिलेंडर खा रहा है। एक घर में 36 36, 38 38, 40 40, 4 400, 500 500 सिलेंडर लग रहे, और पैसा कहाँ जा रहा है? सरकार का जा रहा है। ये डिजिटलीकरण के माध्यम से ये सब हो जाएगा। इसी में आप लोगों ने कहीं पर कुछ बातों को और पढ़ा होगा, आप बैंक वगैरह गए हो? गए हो कि नहीं? कैशियर कैश जमा करा है? करा है कि नहीं? करा है कि नहीं? करा है कैश जमा? करा है कैश जमा? करते हो इस साइड में लिखा रहता है, या फिर बैंक में जैसे प्रवेश करते हो लिखा है सिटीजन चार्टर, ऐसा लिखा रहता है सिटीजन चार्टर, वहां पर पासबुक इतने समय में, जमा इतने समय में, निकासी इतने समय में, ये सुविधा इतने समय में, चेक बाउंस चेक इतने समय क्लियर हो जाएगा, फंड ट्रांसफर आरटीजीएस या आरटी जो भी है वो कितने उस समय निर्धारित कर देता है। उतने समय में नहीं मिलेगा तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। आपको सुविधा मिल रही है? सुविधा मिल रही है कि नहीं? कम से कम समय में, पारदर्शिता के साथ में, अगर नहीं मिलेगी तो आप कंप्लेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो शासन में पारदर्शिता कैसे लाया जाए? तो यहां पर आप एक और चीज को पढ़ जाएंगे, उसका नाम है सिटीजन चार्टर। कि सिटीजन चार्टर क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है। आप किस आपसे इसके बाद में कोई ने बात नहीं करेगा, आप दो शब्द बोलेंगे, जैसे हमारे साथ हुआ था। हुआ ये था कि अब तो कोर बैंकिंग है, हम किसी भी बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं, बस वही होना चाहिए। एसबीआई तो एसबीआई होना चाहिए, बैंक ऑफ इंडिया है तो बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए। कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ तुम हमारे यहाँ क्यों नहीं कर, हमारे यहाँ क्यों कर रहे हो? अब ये हुआ, अब यही हुआ। और ये ट्रांजेक्शन जब करवा रहे हैं तो इसका चार्जेस थोड़ी होता है। बैंक हम भी वहां पैसे रख रहे, जमा कर रहे हैं, बैंक क्या करता है उसी पैसे को तो किसी और को लोन देता है और पैसा कमाता है, तो ट्रांजेक्शन फी होती है क्या? अब वो बैंक वाले को लगा कि मैंने बाल ऐसी सफेद कर लिया है ना, और वैसे ही अपन लड़के हैं और बुद्धू दिखते हैं चेहरे से, है ना? अब बुद्धू दिखते तो हाँ, और जब दिखते हैं तो हुआ, थोड़ा सा जोर से बोला। अब मुझे जोर से बोलना पसंद नहीं आता, लहजा कैसा होना चाहिए? अदब का होना चाहिए। लहजा ठीक नहीं है तो फिर लहजा हमारा भी बिगड़ने में वक्त नहीं लगता, पर आजकल सोचते वक्त लगाएंगे पर लहजा संभालने के लिए क्या करेंगे, बोलेंगे। लहजा ठीक होना चाहिए हमेशा। अब लहजा ठीक करवाया, पहले तो सर ये बोलिए हमसे दिक्कत क्या है, नहीं आपके अकाउंट इस बैंक का है ही नहीं। पैसे कट जाएंगे? ना कितने कटेंगे? 200 रुपये। तो कौन से, मैंने कौन सी टर्म से बताओ कि 200 रुपये कटते हैं? मैं तो हमेशा इसी से करवाता हूँ, और मैं हर बैंक हमेशा पैसा जमा करने के लिए सारणी जाऊँ, कोर बैंकिंग है ना। अच्छा कोर बैंकिंग है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर होता है कि नहीं? अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट अगर कट रही है तो मुझे बता दीजिए, आप लिख कर दे दीजिए, मैं आकर पूछ इंक्वायरी कर लेता हूँ और आपका नाम लिख कर दे दीजिए। नहीं मैं कर रहा हूँ, अगली बार ऐसा मत करिए, मैं अगली बार भी आऊँगा सर, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन मुझे भी पता है, क्योंकि सुविधा देने के लिए एटीएम से बनाया गया, सुविधा देने के लिए ब्रांचेस खोली गई, और किसी के लिए नहीं खोली गई। ऐसा जरूरी नहीं पर्टिकुलर ये और कोर बैंक है उसके बाद। ये आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? तैयारी वगैरह मत पूछिए, सही सही बात बोलिए आप, है ना? दबाव मत बनाइए। और कारण क्या था? पीछे सुंदर लड़की खड़ी थी भैया, जब वो सुंदर लड़की देखकर हम पर दबाव बना सकता है, हम भी तो देख सकते हैं सुंदर लड़की हमारी बेइज्जती हो रही है, स्वाभाविक बात है ना। हमने भी देखा, हम भी ताऊ में हैं, पर ताऊ में हम लहजे से बात करें, हमने लहजे से बात करी। पर ये बात इसको पढ़ने के बाद में आप में भी आ जाएगा
पढ़ने के बाद आप में भी आ जाएगा। जब ये बात आ जाए, पीयूष सर पढ़ाओ जल्दी, इसको अप्लाई करता हूँ जल्दी में, तो शासन में पारदर्शिता इसे देखना जरूरी है। शासन में पारदर्शिता देगा, सर्वोत्तम सिद्धांत को भी आपको बताएंगे, पूरे सिद्धांत को बताते चलेंगे, एक एक पॉइंट को लिखवा भी देंगे, लिखवा भी देंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स रिविजन टाइप का हो जाएगा और लिखवाए वाला पूरा हो जाएगा, और कुछ चीज रहेगा तो ग्रुप में आपका ऐड हो जाएगा। इसी के बाद में जो एक और पोर्शन जो बन जाता है, जो शासन व्यवस्था को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो आ जाता है बेटा तीसरा पॉइंट, उसे कहते हैं दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स। दबाव समूह, दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स आपको बताएंगे, कौन सा ग्रुप बेटा? प्रेशर ग्रुप। क्या होते हैं प्रेशर ग्रुप? अरे बहुत खतरनाक होते हैं। ये आज 3 किसान बिल वापस हुए, किसी पार्टी ने आंदोलन करा था कि संगठन ने आंदोलन करा था? ये संगठन ही क्या रहते हैं, ये राजनीति में नहीं रहते हैं, पर राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित करते हैं, सरकार के निर्णय को प्रभावित करते हैं अपने अनुसार। बड़ी भूमिका रहती है इन प्रेशर ग्रुप्स की। ये प्रेशर ग्रुप्स पॉलिसी को बनाने में, पॉलिसी को बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये प्रेशर ग्रुप्स की शुरुआत हुई अमेरिका से। अब कैसे हुई, क्यों हुई, उसके विषय में भी पूरी चर्चा हो जाएगी। बस थोड़ा सा टीके रहना जरूरी है, जब टीके रहेंगे तो बात समझ में आएगी, नहीं तो बात ऊपर से जाएंगे, जब ऊपर से जाएंगे तो फिर आप बोलेंगे सर अब कुछ समझ में नहीं आया। अब इसी के बाद में एक और है, चुनाव। चुनाव इसमें 2 कानूनों को तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ता है, एक है जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 और एक है जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। 2 अधिनियम है। एक्ट कौन कौन से हैं? पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951। तो जन प्रतिनिधि अधिनियम, चुनाव क्या होता है, कैसे होता है, ये थोड़ा सा हम बता देंगे, पर इसमें कैसे कैसे चेंजेस आने चाहिए ये भी आपको बता देंगे। जब छोटा सा पोर्शन आप लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद में जो हमारे एक पोर्शन बच जाता है छोटा सा, वो बच जाता है जितने भी मंत्रालय है उन मंत्रालयों का सीक्वेंस। यूपीएससी ने नहीं पूछा है अभी तक के, पर उसने पूछा है किस पोर्शन पे ज्यादा, जब मेंस के बारे में पूछा मंत्रालय को लेकर, और फिर लास्ट वाला जो आता है मंत्रालय के बाद में आता है योजना, जितनी भी योजना आ रही है उन सबको आप देखिए। आप लोग के घर में, आप घर जाना जरा एक बार, जाते हो घर, जाना एक बार घर, और घर जाकर क्या करना, पापा से पूछना घर की रजिस्ट्री के, पापा है ना, पापा बोलते हो कि पप्पा, पापा जी, अरे क्या बात है, पापा जी कि डैडा, है ना, एक बार घर जाकर पूछना, और जब पूछोगे तो पापा बोलेंगे अच्छा। उसके बाद में देखना वो कागज वाली है कि ऑनलाइन वाली है, देखना कागज वाली होगी, ठीक है। तुम्हारे देखना कभी कभार तुम्हारे घर के ऊपर एक और घर की रजिस्ट्री हो चुकी होगी किसी और की, कभी कभार होता है, होता है, क्यों होता है, पहले होता था पर ऑनलाइन के कारण क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो महालेखा करने की प्रोसेस की आ रही है अभी, भूमि महालेखा, और अलग ही मेथड है, उससे हर एक व्यक्ति की कौन सी भूमि है पता चल जाएगा, और किसी प्रकार का इनलीगल वर्क नहीं होगा। मतलब जो बीच के नहीं रहते कुछ लोग, एक ही खेत को 4 लोग बेच देते हैं, होता है ये सब आप यहां पर पढ़ोगे, और इसके बाद में आप ज्ञानवान बनोगे। पीयूष तो पूरे सर ये पहले इथिक्स के पहले इसको रख लेते थे, अभी तक के 4-5 लोग को निपटा देता मैं बातों से। पीयूष विचार आ रहा है तो ठंड लग रही है तो इसको याद रखिएगा, हो जाएगा याद बेटा। 2 एक्ट है बस इतना याद है, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 और 1951। इसे पूछा नहीं गया है पर इसको इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जब भी कोई भी चेंज होता है वो जनप्रतिनिधि अधिनियम में चेंज होते हैं, अगर चुनाव से संबंधित हो रहे, कैंडिडेट से संबंधित हो रहे, क्षेत्र से संबंधित, तो इसमें होते हैं चेंजेस, और जब चेंजेस होते हैं तो उसको बताना भी पड़ेगा, ठीक है। 51 है बेटा, 51 बड़ा बाप है, और जो है 50 क्या है, छोटा बच्चा है, बाप कौन है, 51 है, बहुत बड़ा है वो एक्ट, उसमें 11 से 12 भाग है और बहुत सारे आर्टिकल है, आपको आर्टिकल उसके याद नहीं करना, नहीं तो आप क्लास में ही नहीं बैठोगे 4-5 दिन सर, जिस दिन आपने पूछना बंद कर दोगे उस दिन हम बैठना शुरू कर देंगे, यही हो जाएगा।
तो लिखिए जरा एक क्वेश्चन। हाँ, अब दुबे जी समझ गए कि सर है ना, बातें अच्छा कर लेते हैं।